हमें लगता है कुछ असली चीज़ें चला रहे हैं, ये असली चीज़ें। ओ भाई ये क्या देखा जा रहा है, देखिए कितना असली चीज़ें देख रहा है। मोहन जी ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं। हो मोहन जी ये क्या देख रहे हैं आप, ये क्या गेम ऑफ थ्रोन्स, ये गेम ऑफ थ्रोन्स और क्या है ये, देखिए ये असली चीज़ें देख रहे हैं मोहन जी। देखिए गौर से देखिए इनको, उसके ऐप्स देखो ना कि उसको सीन को देखो। नो नो आप असली चीज़ें देख रहे हैं। और मिलते हैं हमने वो बोल सभी थे जो हमारे सर्वाइवर भी हैं, ये कोरोना सर्वाइवर है, 14 दिन के क्वारंटीन होने के बावजूद ये जीवित हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कोरोना में उन्होंने बहुत बड़ी खातिरदारी की है, चाय नाश्ता रोज सुबह टाइम पर दिया है, शाम को खाना भी टाइम पर दिया है, मुर्गा वर्गा बहुत खिलाया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो हमारे रेसलिंग क्लब के फैंस हैं उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनके जवाब में चाहिए थे, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मामा श्री को आप जानते हैं? हाँ जानते हैं मामा श्री को, जिन्होंने इनको मैंने टीडीएम में बहुत ही बुरी मौत मारा था। हाँ मामा श्री आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा दी है आपको मारने के, ये वो बोल रहे हैं आप कवर कर देंगे, आपको मिलने जाएंगे, आपको ये करेंगे। मुझे इंतजार उनके मामा श्री के यहाँ के आने का। मामा श्री ने तो कह रहे हैं कि आप दो साल दो बार जो इनके लिए कर चुके हैं वो आपको के मैदान से भाग चुके हैं। अब आप ये उनको बताइए, हम आपका रीजन जानते हैं, आप उनको बताइए, वो जानना चाहते हैं कि आप द्वंद कब करेंगे? जब उनका मन कहे तब मैं द्वंद के लिए तैयार हूँ। उन्होंने गंगा प्रतिज्ञा भी ली थी, उनकी याद दिलानी है गंगा प्रतिज्ञा की कैसी होती है गंगा प्रतिज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल आप उनको बता दीजिएगा। हमारा दूसरा सवाल ये, वो कहते हैं कि आप उनको हरा नहीं पाएंगे स्टेडियम में, उनको आपको माना स्टेडियम में आपने बहुत बार हराया उनको, गेमिंग में बहुत बार हराया पबजी में, लेकिन वो कहते हैं कि आप रियल लाइफ में उनको नहीं हरा सकते हैं। असंभव मामा श्री, आप मामा श्री के आप पोजीशन में जाना चाहेंगे? फाइट थ्रीजे को भी आप रेसलिंग मैच में हराया है, अब सोचिए तो मामा श्री को क्या हाल हो सकता है, सोचिए आप खुद मन से। आप लोग देख सकते हैं हमारे मोगुल साहब क्या कह रहे हैं, मामा श्री को मार सकते हैं, लेकिन मामा श्री आपसे पूछना चाहेंगे, आप बताइए। जैसे कंस मामा का वध हुआ वैसे ही इन मामा का वध हुआ, जैसे शकुनी मामा का वध हुआ वैसे इन मामा का वध हुआ। सुन लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे मुंह पर इनका कहना है कि जैसे कंस मामा का वध हुआ वैसे ही हमारे शकुनी मामा का वध भी होगा। अधर्म जब जब फैलेगा तब तब वध होगा मामा का। बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। अब देखते हैं मामा से आपके इस विचार पर क्या विमर्श करते हैं, कब आपका द्वंद होगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा द्वंद आपका? जरूर देखने को मिलेगा। गुब्बारे तो मैंने फुला के दिखाए भी है, दिखाऊंगा समय आने पर। भाई हम आपके उजालों से बहुत बहुत खुश हैं। मामा श्री प्रतीक्षा है मुझे, मामा श्री आपके विचारों का इंतजार रहेगा हमें। अब देखते हैं मामा श्री हमारे मोकुलन भाई के बारे में क्या बोलते हैं। अभी इन्होंने अपने विचार दे दिए कि जब भी मामा श्री मिलेंगे उनका वध किया जाएगा, जैसे कंस मामा का मारा गया है वैसे ही मामा श्री को मारा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि हम लोगों के इस मैच में क्या होता है, हमारे मामा श्री मारे जाते हैं या हमारे मोकुलन जाएंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे। आप देखते रहिए आगे बढ़िए, हम लोगों को देखिए क्या होता है इसमें आगे। धन्यवाद। ये देखिए ये